का हो, बढ़िया है ना? अभी बरसात का मौसम है, ये मौसम में ना थोड़ा तबीयत का ध्यान रखा कीजिएगा। काहे कि इसमें बीमारी इमारी सबका बहुत डर रहता है। फीवर तीवर सर्दी खांसी मलेरिया तलेरिया डायरिया फायरिया का डर बढ़ा हुआ रहता है। तो कहीं पर भी बाहर में जाइएगा ना तो खाने पीने में तनका ध्यान रखिएगा। ठीक, ये हमारे तरफ से फ्री वाला सलाह था। अब आते हैं कि अभी जो बारिश के मौसम में ना खाली पानी ही नहीं बरस रहा है, बहुते कुछ बरस रहा है महाराज। वो देखिए रोजर फेडरर चचा है, इतना बुढ़ा गए हैं तैयो उनके ऊपर ना टाइटल का बरसात अभी तक हो ही रहा है। वो हरमनप्रीत कौर हैं, वो बैट से तूफान निकाल दिए थे। और तो और उसके बाद अपना जो है ना वुमेन्स क्रिकेट टीम, इसके ऊपर बीसीसीआई ने 50-50 लाख रुपया का बरसात कर दिए हैं। खतरनाक मौसम में तो आंधी तूफान बिहार की राजनीति में भी आ गया है। काहे कि लालू चाचा ना पूरे एकदम से बाढ़ में फंस गए हैं, उनका पूरा फैमिली बाढ़ में घिर गया है। नीतीश चाचा हालांकि नाव में उसको बैठाए हुए हैं अभी तक, लेकिन नाव में फिर से छेद भी हो गया है। नीतीश चाचा अभी तक उस नाव के छेद में हाथ रखे हुए हैं, लेकिन वो हमें ऐसा धमकी दे रहे हैं कि हम कभी वो नाव में से उतार देंगे, यानी तो हम ही नाव पर से उतर जाएंगे। काहे कि उनको बगल में जो है ना बीजेपी वाला खालिया नाव दिखाई दे रहा है। पूरा सस्पेंस बना हुआ है कि नीतीश चाचा कौन से नाव पर सवारी करेंगे। वैसे ही जो तूफान है ना राज्यसभा में भी पहुंच गया था। काहे कि अपना जो मायावती बुआ है ना, वो एक दिन अपना चिट्ठी देखते हुए अपना भाषण पढ़ रहे थे कि इतना जोर से आंधी आया कि उनका वो भाषण वाला चिट्ठी उड़िया गया और उनके हाथ में दूसरा चिट्ठी आ गया। तो वही वाला चिट्ठी पढ़ दिए, लेकिन बाद में पता चला कि वो जो चिट्ठी पढ़े थे ना वो तो रेजिग्नेशन लेटर था। मतलब कि गलती से वो रेजिग्नेशन लेटर पढ़ दिए। खैर छोड़िए, बाढ़ तो वहाँ गुजरात में भी पहुँच गया है बहुत बड़का। इसी बाढ़ में कांग्रेस के बड़का जो लीडर थे शंकर सिंह बाघेला, वह दहा गए। हालांकि वो अपने मन से रिजाइन दिए हैं, लेकिन पहले बार रिजाइन नहीं दिए हैं, बहुते पार्टी से वो रिजाइन आज तक दे चुके हैं। तो देखते हैं आगे कौन पार्टी में जाते हैं। बारिश कराने के माहिर आदमी हैं अपने मुकेश अंबानी चचा भी। वो फिर से जियो फोन ला दिए हैं एगो, बोल रहे हैं कि फ्री में दे रहे हैं फोन, लेकिन फ्री में है नहीं तो सबको बुर्बक बना रहे हैं। 1500 रुपया ले रहे हैं तब एगो फोन देंगे, और वो फोन ऐसा है कि उसमें व्हाट्सएप भी नहीं चलने वाला है। बताइए वो फोन लेके हम करेंगे का? वो कह रहे हैं वैसे कि 150 रुपया में डाटा पूरा फ्री रहेगा, फोन फ्री रहेगा, SMS फ्री रहेगा। और तो और वो कह रहे हैं कि फोन को अब DTH के जैसा भी बना सकते हैं, फोन को अब TV से कनेक्ट कर सकते हैं। हमको तो लग रहा है कि मुकेश चाचा इतना चीज जियो के नाम पे लाएंगे ना तो हो सकता है 1 साल में ना जियो नाम का पतंजलि भी आ जाए कहीं। पता चलेगा कि जियो पतंजलि एक नया आइटम बिक रहा है। तो आप लोग भी आराम से मजा लीजिए, फिर से मिलेंगे बाद में। जय राम जी की।